हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशीष और आपका स्वागत है मेरे चैनल एग्जाम इंट्रो में। आज हम बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है, जो UPRVUNL के बारे में, जिसमें TG2 का जो एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें कि आपके जो तीन पोस्ट थी, फिटर, इलेक्ट्रिशियन और इंस्ट्रूमेंटेशन का, उन तीनों के बारे में बात करेंगे। उनका तीनों का कट ऑफ किया जा सकता है, ठीक है, नॉर्मलाइज स्कोर के बाद कट ऑफ किया जा सकता है और उसका रिजल्ट कब आ सकता है, ये तीनों चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ी बात, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आता है तो। पसंद नहीं आता तो प्लीज़ डिसलाइक कीजिएगा। क्यों डिसलाइक किया है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सबसे बड़ी बात कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ की हम आने वाले नोटिफिकेशन के बारे में तुरंत ही वहाँ पे पोस्ट करते हैं, जिससे कि आपको सबसे पहले जानकारी मिलती है। कल भी जो आया था, जो NTPC का जो आया था, आई थिंक एजुकेशन जो ट्रेनी इंजीनियर का था, उसके बारे में हमने पहले पोस्ट किया था और उससे बहुत सारे बच्चों को जानकारी मिली। तो प्लीज़ उसमें आप ज्वाइन कीजिए। अभी उसमें धीरे धीरे करके, अब मैंने 2 दिन पहले बनाया, तो धीरे धीरे करके उसमें बच्चे ऐड हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप उसमें ज्वाइन कीजिए और जो भी इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले पाइए। सो आइए सबसे पहले देखते हैं जो टोटल वैकेंसीज थी सबको मिला के, TG2 के अलावा भी कुछ उसमें पोस्ट थी, उसमें 367 वैकेंसीज थी, ठीक है। और जो एग्ज़ाम डेट था तो वो पता ही है, अप्रैल और मई में जो हुआ था एग्ज़ाम, उसके बारे में। तो उसके बाद हम देखते हैं कि पोस्ट, अगर मान लीजिए कि जो आप फिटर की बात करें तो 78 थी, ठीक है, तो 78 पोस्ट थी, जिसमें कि UR के लिए 33 थी, तो और EWS के लिए 7 और SC के लिए 16 और ST के लिए 1 और OBC के लिए 21 थी। अगर हम DV के लिए बात करते हैं तो DV के लिए कितने बच्चे जाएंगे, तो DV के लिए UR से बात करें तो 49 जाएंगे, EWS से 10 जाएंगे और SC से 24 जाएंगे और ST से 2 जाएंगे, यहाँ एक सॉरी मैंने गलती से लिखा है, यहाँ 2 जाएंगे और OBC से 30 जाएंगे। तो यानी 1.5 टाइम्स जो होता है ये DV पे वहाँ बुलाया जाता है, क्योंकि कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है, कुछ बच्चों का कुछ मिसिंग होता है, तो इस कारण से क्या होता है, जो वहाँ पे बच्चे एक्स्ट्रा आते हैं वो वहाँ पे जो वैकेंट जगह है वो फुलफ़िल कर पाएँ, ठीक है। तो इस तरह से वो एक बैकअप लेके चलते हैं। सो अब देखिए कि इसमें टोटल मार्क्स जो थे वो 200 का था पेपर, जिसमें कि 150 तो टेक्निकल था, और जो आपका रीजनिंग था वो 20 मार्क्स का, GK 10 मार्क्स का और हिंदी 20 मार्क्स का, ये 50 जो था ये नॉन टेक्निकल में आता है, तो टोटल मिला के 200 मार्क्स का पेपर था। अब हम आगे देखेंगे जो इलेक्ट्रिशियन का था उसमें कितने जा सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन का टोटल सीट है 139 है, तो उसमें आप देखिए यहाँ पे UR के लिए 58, OBC के लिए 37, EWS के लिए 13 और SC के लिए 29 और ST के लिए 2, ठीक है। यानी अगर हम DV की बात करें तो यहाँ पे 87 जाएंगे आपको UR के लिए, OBC के लिए 55 जाएंगे और EWS के लिए 20 जाएंगे और SC के लिए 49 और ST के लिए 3 जाएंगे, टोटल 210 बच्चे जाएंगे आपका जो भी इलेक्ट्रिशियन का, अगर इलेक्ट्रिशियन का उसमें होगा, जो कि इलेक्ट्रिशियन के लिए आपको DV के लिए कॉल आएगा उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए इंस्ट्रूमेंट में आपका देखिए टोटल सीटें जो थी, UR के लिए 21, OBC के लिए 12, EWS के लिए 4 और SC के लिए जो थी वो 9 थी और ST के लिए कोई सीटें नहीं थी, तो टोटल 46 सीटें थी, ठीक है। अब हम देखते हैं DV में कितने बच्चे जाएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए 32 जाएंगे आपको UR से, OBC से 19 और EWS से 6 और SC से 14, टोटल 71 बच्चे जाएंगे वहाँ पे, जो कि उनका DV होने वाला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्या कट ऑफ रहने वाला है, देखिए तो इसलिए प्लीज़ ध्यान देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी आप वहाँ पे वीडियो को बढ़ा के देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, सर अब रिजल्ट डेट कब है आपका, इसमें में जो मेरे इतने नंबर आ रहे हैं उसमें क्या हो सकता है। सो प्लीज़ पहले आप समझिए, वीडियो को समझिए, उसके बाद आप कमेंट कीजिए, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। सो पहले देखते हैं यहाँ पे आपका रिटेन में जो 2019 का जो कट ऑफ था वो क्या था, ठीक है। तो देखिए जो इलेक्ट्रिशियन का गया हुआ था UR के लिए अगर बात करते हैं तो उसमें 131 गया था, 131.5, फिटर के लिए 123, इंस्ट्रूमेंट के लिए 81.75। अगर हम OBC की बात करें तो 123 गया था इलेक्ट्रिशियन के लिए, फिटर के लिए 117, इंस्ट्रूमेंट के लिए 77.5 और SC की बात करें तो इलेक्ट्रिशियन के लिए 109.25 और फीटर की बात करें तो 106.75 और इंस्ट्रूमेंट की बात करें 66.5। अगर हम ST की बात करें तो 106.25 इलेक्ट्रिशियन की, फीटर के बारे में बात करें तो 73.25 और इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो उसमें 65.75 जो कट ऑफ दिया था उस टाइम पे 2019 में।
अगर हम बात करते हैं इस बार मतलब जो कट ऑफ है वो क्या रह सकता है, तो देखिए इलेक्ट्रिशियन का अगर आपको 138 है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं यू आर से। अगर हम बात करें फिटर का तो 132 पे आप बिल्कुल सेफ़ हो जाएंगे। अगर इंस्ट्रूमेंट का बात करें 92 पे तो आप बिल्कुल सेफ़ हो जाएंगे यू आर कैटेगरी से। अगर हम बात करें ओबीसी से तो 127 जो है वो इलेक्ट्रिशियन से आप बिल्कुल सेफ़ हैं, और फिटर से 121 पे बिल्कुल सेफ़ हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ वो आपका 2020 अभी जो पेपर हुआ है उसका बता रहा हूँ मैं, उसका क्या कट ऑफ रहने वाला है। अगर हम इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो 83 पे बिल्कुल सेफ़ हो जाएंगे ओबीसी से। अगर हम बात करें एससी से तो 114 इलेक्ट्रिशियन का जाएगा, फीटर का 111 जाएगा, इंस्ट्रूमेंट का 71 जाएगा। अगर हम बात करें एसटी का तो 108 जाएगा जो कि इलेक्ट्रिशियन का जाएगा, फीटर का जो जाएगा वो 79 जाएगा, और जो इंस्ट्रूमेंट का है वो आपका 66 जाने के चांसेस हैं। अगर आपके नंबर इससे कम है, चाहे आपको इतना आज में कोई डाउट लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके नंबर कुछ कम है तो मैं उसमें भी आपको डिस्कस करके बता सकता हूँ कि हाँ उसका क्या चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके होने के, और आपको उम्मीद रखनी चाहिए या नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ये जो था वो एक्सपेक्टेड मार्क्स था जो कि आपका वहाँ पे दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ओरिजिनल कट ऑफ जो हो सकता है वो आपका अलग हो सकता है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें जो बताया गया है वो अभी जो डेटा मिला है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो भी आपका देखा जाएगा कि आप जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं 1.5 टाइम्स उसको वहाँ डीवी के लिए बुलाया जाएगा। तो आई थिंक देखिए जब आपका रिज़ल्ट आ जाता है तो रिज़ल्ट पहले तो रिज़ल्ट पर बात कर लेते हैं। तो रिज़ल्ट जो आपका है वो जून में आ जाएगा, और वो भी मिड में बताया जा रहा है। ठीक है, जून स्टार्टिंग नहीं मिड में आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद क्या है कि रिज़ल्ट आने के मतलब लगभग 15 दिन के बाद, 15 से 20 दिन के बाद आपका मतलब डेट बताया जाता है डीवी के लिए। क्यों डीवी इसलिए बता दिया जाता है डीवी इसलिए बता दिया जाता है क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं बच्चों के पास नहीं हो तो बच्चे कहीं ना कहीं से उसको अरेंज कर लें, क्योंकि डीवी में कोई भी आपका जो भी आपने प्रोवाइड किया है वहाँ पे ऑनलाइन जो फॉर्म डाला है उसमें जो भी प्रोवाइड किया डॉक्यूमेंट वहाँ ज़रूर मांगा जाता है। तो ये चीज़ें वहाँ पे सत्यापित की जाती हैं। तो प्लीज़ डीवी के लिए ध्यान से आप देख के, और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप प्लीज़ उसको अरेंज करके वहाँ पे जाइएगा डीवी में। ठीक है, अब ये मत सोचिएगा मेरे इतने मार्क्स हैं तो मेरा होगा कि नहीं फाइनल मेरिट लिस्ट में। आप जाके पहले अपना डीवी कीजिए, उसके फाइनल के बारे में बाद में सोचिएगा, क्योंकि देखिए फाइनल ऑब्वियसली बात है तब तक आप नहीं पहुँच पाइएगा जब तक आप डीवी वहाँ पर अच्छे से ना करें। तो प्लीज़ डीवी पे फोकस कीजिए। कुछ बच्चे क्या होते हैं, कल मैं मेट्रो जो का एग्ज़ाम था मेट्रो रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर का उसके बारे में डिस्कस कर रहा था, उसमें क्या था वो बोल रहे हैं कि फाइनल मेरा होगा कि नहीं। देखिए भाई जब तक आप साइको दिए हैं, अगर साइको में ऑलरेडी अगर आप क्वालिफाई नहीं करते तो फाइनल जाएंगे ही नहीं ना। तो सिंपल सी बात है, आपको फोकस कहाँ करना चाहिए, फोकस साइको पे करना चाहिए। जब तक आपका ये देखिए स्टेप बाई स्टेप चला जाता है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक गड्ढे को एक जहाँ खाई को आप दो छलांग में पार कर जाएँ, एक ही छलांग में पार किया जाता है। तो पहले आप स्टेप बाय स्टेप इसको मूव किया जाता है। अगर आपका देखा जाए कि पहले कौन सा स्टेप आएगा तो उस स्टेप को क्लियर कीजिए, उसके बाद सोचिए फाइनल में आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, सो ऑब्वियस ही बात है आपको मैंने बता दिया। अब डीवी के बारे में ध्यान से सुनिएगा, डीवी जो होता है एक से डेढ़, अगर अभी के हिसाब से अगर बात किया जाए तो शायद जो डीवी होगा आपका वो मतलब 3 महीने का मतलब 2 महीने का टाइम तो देते हैं वो, लेकिन अभी के हिसाब से शायद कुछ भी हो सकता है। क्योंकि देखिए अगर रिज़ल्ट तो पहले जून में आ जाएगा, लेकिन जो डीवी है वो शायद कुछ लेट हो, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो यूपी में वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो आप देख लीजिएगा। लेकिन डीवी जो है वो आपका 3 मतलब जो रिज़ल्ट आता है उससे 2 महीने या 3 महीने का गैप होता है डीवी में। ठीक है, ये तो मिनिमम मैंने बता दिया। ठीक है, और ध्यान रखिएगा नॉर्मलाइजेशन तभी होता है जब आपके नंबर ऑफ सीट्स होते हैं, शिफ्ट होते हैं। अगर नॉर्मल मान लीजिए 3 शिफ्ट में पेपर होता है, 2 शिफ्ट में पेपर होता है, तो नॉर्मलाइजेशन होता ही होता है हर एग्ज़ाम में। सो अगर आपका ये शिफ्ट बाई शिफ्ट अगर होता है तो याद रखिए नॉर्मलाइजेशन होता है, और नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, उसको स्टैंडर्ड डेविएशन से निकालते हैं। सो आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, रिजल्ट डेट और सब कुछ। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जॉब्स के बारे में आपको नोटिफिकेशन वहाँ में मिल जाती है। क्योंकि उस समय वीडियो पोस्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है तो पहले मैंने वहाँ PDF डाल देता हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।